तो हेलो गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। दोस्तों तो बात करने वाले हैं IRFC शेयर के बारे में। 160 रुपीज में शेयर का प्राइस मिल रहा है। ये शेयर भी आज की डेट में पर शेयर के पीछे 13 रुपए दिया है और एक रॉकेट की तरह भागा है। क्या इस शेयर को खरीदना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल? दोस्तों मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखोगे, ये शेयर भी 546% की अच्छा रिटर्न दिया है। 24 रुपए करके लिस्टिंग हुआ था कंपनी 2001 में, और आज देखिए ये शेयर कहाँ पर है, यानी एक जबरदस्त मोमेंटम दे चुका है शेयर होल्डर को। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को क्या नजर आ रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर वाइज रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, नेटवर्क ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ है, जो कि अच्छा बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर रखा है 86%, रिटेल इन्वेस्टर 10%, फॉरन इन्वेस्टर 1.14, डोमेस्टिक वाले 1.12, म्यूचुअल फंड 0.05% रखा है। तो ये पैरामीटर हम लोग को सही नजर आ रहा है। फुल डिटेल्स में अगर हम लोग देखेंगे, BSE और NSE दोनों में लिस्टिंग है। आप देखोगे एक लार्ज मार्केट क्या कंपनी रखा है, पीटी के बुक वैल्यू से ऊपर से मिल रहा है, हाई तो डिविडेंड देता है, आरओसी पॉजिटिव, फेस वैल्यू 10 का है, कर्जा ज्यादा है, रिजर्व कम रखा है, एसेट ठीक ठाक है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, फ्री कैश नहीं रखा है, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव, डिविडेंड देता है, डेट टू इक्विटी कम है, जो कि अच्छा बात है। फाइनेंस क्षेत्र में काम करता है। और एक कंपनी दोस्तों आप देखोगे, ये कंपनी एक नंबर पर आता है इस फील्ड में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उसके अलावा आप देखोगे कंपनी का सेल ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, CAGR पॉजिटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव। एसेट देखोगे, एसेट में दोस्तों हम लोग को यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रहा है, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो सारा पैरामीटर को देखने के बाद अगर आप लॉन्ग टर्म की नजरिया लेकर आओगे, ये शेयर 200 क्रॉस कर जाएगा दोस्तों। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।